Do you think counseling can help the couples? काउंसलिंग डेफिनेटली बेटा, ये हवा में तो नहीं है, इट्स अ रियलिटी. लेकिन देखो, अगर एक बीमार है तो उसके लिए टॉप का फिजिशियन, सर्जन, सारा कुछ है. लेकिन एक स्टेज आती है जहाँ कोई सर्जन, कोई फिजिशियन, वो बीमारी का एक लेवल होता है ना जी. अगर शाह ईरान मर सकता है तो डॉक्टर्स की कमी तो नहीं होगी ना जी. यहाँ टॉप के डॉक्टर्स से मरते नहीं लोग, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाते हैं, अच्छे से अच्छा सर्जन होता है, सारा कुछ होता है, ये वो सा. लेकिन एक लेवल है. काउंसलिंग वगैरह ये हेल्प करती हैं चीज़ें. मैं दो तीन साल पहले मैं ऐसा करूँ, हंसने लग गया कि हम तो आपसे सुनते तो सीखते तो फलाना हूँ. मैंने कहा यार मैं इंसान हूँ, सीधा साधा सा, तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एंगर बढ़ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेशन मेरे अंदर बढ़ गया, तो इसका करो. तो काउंसलिंग हेल्प करती है, लेकिन ये अल्टीमेट बात नहीं. जब तक बुनियादी हकीकतें तब्दील नहीं होती. मैं इस मुल्क के बारे में फॉर द लास्ट 6-7 years ये कह रहा हूं कि कोई इनका इक्तसादी मुस्तकबिल नहीं है जब तक ये बुनियादी तब्दीलियां सिस्टम में नहीं लाते. तब तक फिर यही आलम रहेगा, बच्चे बदतर होगा. अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं. ये 70s की बात है, 73-74 को इस तरह का. मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता था रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लिए, तो उन्होंने मुझे एक बार कहा, जो स्टेशन डायरेक्टर थे, यार आप कोई हमें वो लिख दें दुआ टाइप कोई चीज़. तो मैंने लिखा, मुझे हॉन्ट करती है बहुत, दुख देती है बहुत. मैंने लिखा था, 3 शेर मुझे याद रह गए, वो सुनो. शहरों को खुशहाली दे, खेतों को हरियाली दे, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से खुशहाली हर जगह, और खेत अगर हरियाली तो समझ गया ना आप लोगों को, चूंकि उर्दू शुर्दू का कमी आती है. शहरों को खुशहाली दे, खेतों को हरियाली दे, सब चेहरों को चांद बना, सब होंठों को लाली दे. और आखिरी शेर था जो मुझे याद रहेगा उनमें से, सिर्फ तुझी से मांगे जो, सिर्फ तुझी से मांगे जो, ऐसे हाथ सवाली दे. आज जब मैं देखता हूं तो मुझे वो अपनी दुआ याद आती है कि परवरदिगार हमारे करतूतों ने वो उल्टा के मेरे मुंह पे मारी है. आज भिखारी इस मुल्क की शनाख्त क्या है, गदागर. सिर्फ तुझी से मांगे जो, ऐसे हाथ सवाली दे. किधर गए वो, हर जगह कशकोल लेके पहुंचे हैं, और ये खेतों को हरियाली किधर है. तो तबाही बर्बादी, ना कोई सर है ना पैर है, फौज को हाथ पांव मारी है कोई एग्रीकल्चर के लिए, अल्लाह करे. लेकिन जब तक बुनियादी तब्दीलियां नहीं आएंगी, इसका बेनिफिशरी भी कोई और होगा. ये कहते हैं एलीट कैप्चर, जो अशराफिया है, जो खुशहाल लोग हैं, मुतमबल लोग हैं, वो मजीद से मजीद तर उनमें इजाफा हो रहा है, उनके एफ्लुएंस में. बाकी भूख में, दूसरी तरफ भूख में इजाफा हो रहा है. चलिए बाबा, हमने इतनी सारी बातें कर ली. अब जाते 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 आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है. टेक्नोलॉजी इतनी अपराइज हो गई है, तो आप अभी भी टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं. देखो बेटा, इस मुल्क में मेरे से बड़ा परिचय कोई नहीं टेक्नोलॉजी का. मैं तो जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आफ्टर अबाउट 50-100 years, ये तो दुनिया नहीं है. लेकिन मैं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा आशिक हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी. मुझे अगर बचपन में एहसास हो जाता तो मैं इधर ही जाता. मेरे नज़दीक पैगंबरों को जो स्पिरिचुअल है काम, उसको अलहदा कर दो, दुनिया का मोशन सिर्फ साइंटिस्ट है. उनको आप वो स्पिरिचुअल, उनकी तो दुनिया ही और होती है ना. हमारे प्रॉफिट्स, खास तौर पे हमारे प्रॉफिट, बाकी बनी ना इंसान का. देखो अभी इन्होंने यूं करके किया है, वो अभी लाइट गई है, जनरेटर ऑन हो गया. ये क्या है, ये हमारे तो गीत हैं, बत्ती बाल के बने रे उत्ते रखनी है. मतलब ये जब गोरा आया है, ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया है, तो वो उस जमाने में हिंदुस्तान के लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, हैंडपम्प ही नहीं देखा था, ये उसको बम्बा कहते थे. जब यहाँ रेलवे ट्रैक बिछना शुरू हुआ है, तो पूरे हिंदुस्तान में ये जो मकामी है, हम जैसे चौपड़कनाती है, वो कहते थे कि अंग्रेज लोहे के पटे डाल रहा है ताकि हमारा मुल्क घसीट के ले जाए.
उस वक्त ट्रैक बेचा, अब मरीख की बातें हो रही हैं, खला में आप लोग टमाटर उगा रहे हो, चांद पे आप लोग, यार मैं बहुत बड़ा इसका, लेकिन ये मैं एक तो आई एम टू लेजी, दूसरी बात ये है कि मैं तो रिमोट सामने पड़ा होता, मैं तो वो भी इस्तेमाल नहीं करता, मेरे पे अल्लाह पाक का इतना बेपाया कर्म रहा, मैंने तो कभी, मैं तो अपनी गाड़ियां नहीं है इनमें तो कोई, मैं तो नहीं या ड्राइवर करे स्टार्ट, चला लेता हूँ, वो नहीं मुझे कि वो कोई चाबियां जेब में है तो दरवाजा आप पे खुल गया तो सेल्फ भी नहीं आपने मारना, हम तो और तरह के आदमी। सो मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ अल्टीमेट साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट, वो बनी ना इंसान का यही सा, देखो खोतों घोड़ों खचरों ऊंटों पे सफर करने वाले अब जहाजों पे फिर रहे हैं, ये भी एक बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो एडिसन के लिए भी दुआ मांगता हूँ, परवरदिगार बनी ना इंसान का मत, हर चीज मुतनाज़े है, दुनिया में नॉन बिलीवर्स भी हैं, बत्ती पे कोई इख्तलाफ नहीं, बिजली पे कोई नहीं, टीवी पे कोई नहीं है, ये आपके कैमरे शैमरे जो जो सारा आपका, ये जो हॉस्पिटल्स हैं आपके उनमें आपका क्या है, कख भी नहीं, MRI मशीन से लेके एक्सरे वहां से शुरू करो, क्या है ये, बहुत बड़ी बहुत अहम चीज है, लेकिन ये मैं आई वॉज टू ओल्ड टू, एक दूसरा मेरे पास चूंकि सहूलतें आम आदमी की नस्बत बहुत ज्यादा है, मैं तो कहता हूँ चैनल चेंज करो, चेंज तो ये करता है या गोल्डी करता है, मैं तो चैनल चेंज नहीं करता। तो इससे आज की जनरेशन के लिए ये भी एक एडवाइस होनी चाहिए कि लेजी नहीं होना। नहीं बेटा लेजी, मेरा उसमें एज फैक्टर भी है, और दूसरा किसी चीज को पसंद करना और है, उसको प्रैक्टिस करना और बात, और दूसरी बात जो मुझे मैं ड्राइविंग भी अब इसलिए करता हूँ कि जरा रिफ्लेक्सेस वगैरह बंदे के ठीक रहते हैं, अदरवाइज मैं सीखूं क्यों, आप जैसे माशाल्लाह मेरे ब्रिलियंट बच्चे हैं और जानते हैं मुलाजम है, मैं अकेला रहता हूँ दो मुलाजमों के साथ नीचे अगर बेसमेंट में, मुझे तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, यही टीवी चलाते हैं, यही बंद करते हैं, यही मैंने पुरानी फिल्म देखनी है, ये वो लैपटॉप चैपटॉप इन्हीं के पास है, मेरे पास तो नहीं है। सो वो थोड़ी इसमें है सुस्ती भी है, लेकिन चूंकि मेरा काम चल रहा है इसके बगैर, इसलिए मैंने नहीं, आई डिडंट बॉदर, और फिर इट्स टू लेट फॉर मी, मैं सीख के कौन सी का कश्मीर पता कर लूंगा ये तो चलाऊंगा, कोई बात नहीं, हमें तो इट्स फाइन, वी कैन मैनेज। फिर अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मजीद टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और हम वो एक स्पीच भी है जिसमें ये चीज कही गई थी कि मैन पावर को एग्जैक्टली ये चीजें रिप्लेस कर देंगी, बिल्कुल कर देंगी, तो हम उसके पर पहले हो चुका है, ये चलते चलते आप सुन लो, ये खड्डी और ये जो कपड़ा कुपड़ा बुनने वाली मशीनें होती थी, फिर उसके बाद जो पावर लूम आई और उसके बाद फिर चल सो चल हो गया, उस वक्त भी यही रौला था कि ये सारा कुछ बेरोजगार हो जाएगा सारा कुछ, ये चलता रहता है, इंसान का ये सफर है इसी तरह चलता रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 2 साल बाद उन्होंने ये न्यूज शेयर की है दुनिया के साथ, एक रोबोट ने अपने इंजीनियर को बुरी तरह जख्मी कर दिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं तो दुनिया देखता हूँ आज से 50-100 साल बाद की, उसका आज की दुनिया से तल्लुक कोई नहीं होना। बाबा बातों का सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा, सो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में भी टेक्नोलॉजी को और बहुत एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे, जहाँ पे लोगों का इनपुट फीडबैक भी हम लेंगे और देखेंगे कि क्या व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड आवर कॉन्वर्सेशन, प्लीज देखते रहे मैं और मेरे बाबा, एंड प्लीज ड्रॉप योर कॉमेंट्स कि वट एवर न्यू टॉपिक्स यू वॉन्ट अस टू डिस्कस। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट टू द चैनल बिलो। बाय।